हेलो गाइस, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सचिन कुमार सिंह लेके आ गया हूँ और एक नया वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यूट्यूब पे 2021 चल रहा है गाइस। ओके, तो ये यूट्यूब रिलेटेड वीडियो तो देखना ना भूले पूरा। ओके गाइस, यदि यूट्यूब पे ग्रोथ करना है तो क्या करें? जो सब्सक्राइबर बेस है उस हिसाब से व्यू नहीं आ रहा तो क्या करें? ओके गाइस, और यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर बनना है भाई, यूट्यूब पे फेमस होना है तो क्या करें? सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो क्या करें? व्यू बढ़ाना है तो क्या करें? अरे भाई, इतना सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपका भी मन में आ रहा होगा। ऑडियंस मेरा फुल वॉच नहीं कर रहा, 5 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट 30 सेकंड देख रहा है, क्या करें भाई, क्या करें? यही टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। तो गाइस, देखे होंगे मैं 1 महीना से, ये जो मंथ गया 2 मंथ, मैं ठीक से YouTube में वीडियो अपलोड नहीं किया, कभी कल किया। क्यों? क्योंकि मैं ये रिसर्च कर रहा था कि एक्चुअली ऑडियंस मेरा चाहते क्या है गाइस। मेरा टोटल चैनल का व्यू एक लमसम पिछले 1 साल का अंदर 50,000 का ऊपर है, लेकिन मैं ये रिसर्च नहीं किया कि मेरा ऑडियंस क्या चाहते हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं सबसे पहले तो रिसर्च किया हूँ कि मेरा ऑडियंस चाहते क्या है एंड यूट्यूब पे कैसे टिका जा सकता है एंड यूट्यूब में बड़ा बना जा सकता है। तो गाइस, यूट्यूब पहले से बहुत इजी कर दे रहा है एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जा रहा है, तो ये दोनों तरफ ही आपका पल्ला भारी है। एक तरफ ईजी भी हो रहा है, ईमेल वगैरह पहले इंग्लिश में आता था, अभी हिंदी में भी आना शुरू हो गया एंड आपका जो लैंग्वेज है उसमें आप चॉइस कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व, जो ईमेल आता है उनको समझ में नहीं आता, बहुत ही यूट्यूबर को भाई हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश में ईमेल आ रहा है, तो उसको चेंज कर लीजिए गाइस आपका लैंग्वेज। जैसे मैं हिंदी क्या हूँ, प्रूफ देखिए ये रहा। ओके गाइस, देख लीजिए पूरा हिंदी में। अब गाइस बात करते हैं कि व्यू कैसे लाएं। ओके गाइस, तो व्यू लाना भाई आपको तो सही, आपका जो चैनल है ये नहीं कि खिचड़ी बना देते हैं, टेक का कैटेगरी या केक और कोई खाना खजाना कोई कुक का रिलेटेड चैनल है तो आप उसमें कुकिंग ही डालिए, यह नहीं कि डांसिंग वीडियो डाल देंगे बस सिंगिंग का, तो फिर आपका ऑडियंस भाई कुकिंग वाला है, डांस थोड़ी ना देखने जाएंगे, तो व्यू कहाँ से आएगा। ओके गाइस, और आपका यदि सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है तो क्या करें? सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। ओके गाइस, एक हो या दो हो, आजकल हम लोगों का पास समय बहुत कम है। ओके गाइस, तो इससे क्या हो, कम से कम एक वीडियो डालिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना भी पड़ता है, रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता है, तो ये बहुत सारा खर्चा है, तो कम से कम एक वीडियो पर डे अपलोड कीजिए अपने YouTube चैनल पे, आपका चैनल का रिलेटेड ही वीडियो। ओके गाइस, और गाइस यदि आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपका ज़्यादा टाइम वॉच टाइम तो ज़्यादा देखे, माने आपका वीडियो पूरा देखे, तो जैसे यदि आपका कुकिंग का चैनल है, ओके गाइस, यदि आपका टेक का चैनल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं डायरेक्ट वॉइसली जो बोल रहा हूँ, तो इससे पहले मेरा जितना वीडियो है, करीब 50-150 करीब मेरा वीडियो है, जाके देख लीजिए गाइस, उसमें एक भी मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। ऑडियंस बोर हो जाते हैं मेरा बक 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 सुन सुन के, जो सुनते हैं उसके लिए लकी है भाई, बहुत अच्छा है, ज्ञान फ्री का ज्ञान है भाई, ले लो यार, ठीक है गाइस। ओके, तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया, तो ये आपका चैनल है, आप ही रिसर्च कर सकते हो, कोई और नहीं, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बता सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिए जिससे आपका वीडियो देखने टाइम ऑडियंस बोरिंग ना हो, और ये नहीं कि पूरा ऐसा नहीं, थोड़ा हट्टा कट्टा, माने मन चंचल है इंसान का, ठीक है, तो ऐसा बीट वाला हल्का सा। और जब भी एडिटिंग कीजिएगा, आपका वॉइस जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका साउंड ज़्यादा है, बैकग्राउंड जो म्यूजिक चल रहा है वो थोड़ा वॉल्यूम कम है, तो इस तरह का कीजिएगा कि आपका वॉइस क्लियर ही है, बैकग्राउंड में हल्का सा साउंड है, इसलिए क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूँ, बोलने का बाद जब मैं
ये ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है साउंड, उस टाइम साइलेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है तो आदमी को बोरिंग नहीं करता है। ओके गाइस, और बकबक बकबक कर करके भी आप भी बोरिंग हो गए इतना देर, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक है इसलिए आपको अच्छा भी लग रहा है। ओके गाइस, पहला बात तो इस तरीका से आपको सबसे पहले तो आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना है, एंड आपका वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक दे दीजिए और भी अच्छा लगेगा। कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और एक बात, ठीक है गाइस, ये नहीं कि आपका कोई भी चैनल है जो तो वीडियो बोलते, ये बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा वीडियो में क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 720p ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए, 720 HD। ओके गाइस, आपका जब वीडियो बनाते हैं तब उस टाइम क्या करना है, आपको लाइटिंग दे देना। मेरे पास दो ही लाइट है, आपका स्पॉट दिख रहा होगा, एक तो इधर से, एक तो इधर से, पीछे से है नहीं, पीछे से रहता तो मेरा स्पॉट भी नहीं दिखता। ओके गाइस, तो गरीब हूँ क्या कर। तो गाइस, आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं भी एक दिन यूट्यूबर बन सकता हूँ, होप सो। तो गाइस, इसी तो वीडियो को करते हैं ऐसा ही, आप भी यूट्यूबर बड़ा बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना है, रेगुलर अपलोड करना है। ओके गाइस, एंड ये दो तीन बात आपको ध्यान रख देना है तो आप भी एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन सकते हैं। होप सो आप सभी को अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए, एंड मेरे को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड व्हाट्सअप का मैं तो ग्रुप का लिंक भी दे दिया हूँ, जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। ओके गाइस, और ये मेरा चैनल पे जो वीवो का गिवअवे चल रहा था तो उसका रिजल्ट मैं 2 मार्च को अनाउंस करने वाला हूँ। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। ओके गाइस, तो होप्स आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड प्राउड फील होता होगा। 2021 है भाई, हम भी यूट्यूबर बन सकते हैं। होप सो आप सभी लोग यूट्यूबर बन सकते हैं एंड मैं भी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नया है तो, और अपना सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।